10 सर्कुलर रोड स्थित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवाज पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुरक्षा कर्मी आपस में ही भिड़ गए। काफी देर तक चले हंगामे में गाली गलौज के साथ मारपीट भी देखने को मिली, लेकिन किसी तरह मामले को संभाल लिया गया। खबरों के मुताबिक राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव से मिलने आने वाले लोगों को सचिवालय की पुलिस वहां से हटाने लगी, जिसके बाद राबड़ी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी उग्र हो गए और उन्होंने सचिवालय थाने की पुलिस को ही वहां से भगाना चाहा, जिसके बाद सचिवालय थाने की पुलिस और राबड़ी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी आपस में उलझ गए। इस पूरी घटना के बाद सचिवालय थाना पुलिस का कहना है कि वह यहां से भीड़ हटा रहे थे, जबकि राबड़ी आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जो लोग भी तेजस्वी यादव से मिलने आते हैं उन्हें सचिवालय थाना के जवान जबरन यहां से भगा देते हैं। आपको बता दें, आज आरजेडी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक राबड़ी देवी के आवास पर बुलाई गई थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ता 10 सर्कुलर पहुंचे थे, लेकिन सर्कुलर रोड पर गश्ती कर रही सचिवालय थाने की पुलिस ने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड ने आपत्ति जताई और यहां से बात बिगड़ गई। न्यूज़ डेस्क।